आज जो हम लोगों को डिस्कशन करने जा रहे हैं अब ये है एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो एनाटॉमी ऑफ लीफ में एक बार हम एक लीफ को सामने ला के दिखा रहे हैं। ये एक लीफ है जो डायकॉट का पत्ता है। डायकॉट के पत्ते में अब हम अपर और लोअर सरफेस को फिर से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ऊपर वाले सरफेस को कहते हैं वेंट्रल सरफेस। क्या नाम रखे इसका हम लोग? अपर सरफेस का एक नाम रखा गया वेंट्रल सरफेस और इसका दूसरा नाम रखा गया अपर सरफेस। दो नाम हो गया, क्या क्या नाम रखे? और एनसीईआरटी में जो वर्ड है वो है अडेक्सियल सरफेस। वो टर्म क्या है? अडेक्सियल सरफेस। तो ऊपर वाले सरफेस को कहते हैं अडेक्सियल सरफेस या वेंट्रल सरफेस या अपर सरफेस। अब हम लोग इसको कैसे सोचते हैं, हम लोग ये बात एक तरीका बता रहे हैं। और नीचे वाले सरफेस का नाम रखते हैं वेंट्रल सरफेस, है ना? तो ये हो गया वेंट्रल सरफेस और नीचे वाले का नाम रखें डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल मतलब पीठ और वेंट्रल मतलब पेट। हम लोग सो रहे हैं तो पेट कैसा है? पेट ऊपर की तरफ है। जब हम लोग सो रहे हैं तो पेट कहाँ? ऊपर की तरफ है। तो ऊपर वाले सरफेस को हम लोग नाम दे दिए वेंट्रल और नीचे वाले सरफेस का नाम क्या हो गया? डॉर्सल। पीठ हमारा नीचे की तरफ है। तो ये दोनों नाम को याद रखने का तरीका है, वेंट्रल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, अडेक्सियल सरफेस एंड अबेक्सियल सरफेस। ये तीनों नाम एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस हमने कहा था कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। लेकिन इसका एक्सटेंशन कितना करना है, कितना ज्यादा एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ना है, ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट होता है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि पूरी तरह से मेडिकल में आए हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते चल रहे हैं। तो हमने दो डायग्राम बनाया, एक डायकॉट के लीफ का और दूसरा मोनोकॉट के लीफ का। अब ये देखो बच्चों, डायकॉट के लीफ में इस सरफेस पे ज्यादा सनलाइट आ रहा है। किस सरफेस पे? अपर सरफेस पे। ये पत्ता ऐसे है और लाइट आ रहा है, तो लाइट को फेस कौन कर रहा है? अपर सरफेस। इसीलिए ये अपर सरफेस का नाम रखा गया अपर एपिडर्मिस। क्या नाम रखा गया इसका? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के पोर्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, अपर एपिडर्मिस के पोर्शन पे ज्यादा हीट और लाइट आ रहा था, इसीलिए अपने सरफेस एरिया को धूप से बचाने के लिए ये एक क्या लगाया? मोटा लेयर लगाया, वैक्सी सन स्क्रीन लोशन लगाया जो काफी थिक था, ताकि पूरे चेहरे पे, जब हम लोग धूप में बाहर जा रहे हैं ना, पूरे चेहरे पे मोटा सा लेयर लगा लिए। किस चीज का? सन स्क्रीन लोशन का। तो प्लांट भी क्या किया, पत्ते के अपर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, ये क्यूटिकल कैसा लेयर है? वैक्सी लेयर है, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल मिल रहा है ना? तो अपर एपिडर्मिस में देयर इज अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। हम लोग इस क्यूटिकल के प्रेजेंस को बोलते हैं क्यूटिनाइजेशन, है ना? क्यूटिनाइजेशन प्रोसेस का नाम हुआ, क्यूटिकल के प्रेजेंस को क्यूटिनाइजेशन कह दिए। और अब एपिडर्मिस में जब क्यूटीन मिलने लगा तो कहने लगे क्यूटिकल, तो थिक क्यूटिकल मिल रहा था। नीचे के सरफेस को लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। इस पत्ते के बारे में सोचेंगे, पत्ता इतना मोटा है, क्या सोचेंगे? एक पत्ता इतना मोटा सोच रहे हैं। और बीच के टिश्यू को, ऊपर और नीचे के बीच के टिश्यू का नाम रखेंगे मीजोफिल टिश्यू। तो फिर से हम लोग आते हैं और देखते हैं, हम लोग यहाँ पे अपर एपिडर्मिस और नीचे का पोर्शन है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस पे सनलाइट रेस्पेक्टिवली कम आ रहा है, हीट रेस्पेक्टिवली कम आ रहा है, इसीलिए यहां जो प्लांट का पत्ता वैक्सी लेयर का कोटिंग किया, सनस्क्रीन लोशन लगाया अपने चेहरे पे, उसका लेयर पतला था। कैसा था लेयर उसका? पतला लेयर था। तो हम लोग क्या देखे, ये एपिडर्मल टिश्यू है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ऊपर वाले पत्ते का नाम क्या बोले? अपर एपिडर्मिस। ये ऊपर वाला सरफेस, और नीचे वाले का नाम क्या रखे? लोअर एपिडर्मिस। यहां पे जो अंदर से ये लोशन या क्यूटिकल लगा हुआ है वो कैसा है? वो थीन है, पतला है। किसके कंपैरिजन में? ऊपर वाले में। देखो ये येलो कलर बहुत हम मोटा दिखा रहे हैं, ये येलो कलर कैसा दिखा रहे हैं? पतला सा लेयर दिखा रहे हैं। तो अपर एपिडर्मिस में देर इज अ थिक क्यूटिकल, जबकि लोअर एपिडर्मिस में देर इज अ थीन क्यूटिकल। क्यूटिकल कैसा होगा? थीन होगा। फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग स्टोमाटा को देखते हैं। अगर अपर सरफेस पे ज्यादा स्टोमाटा होता तो पानी ज्यादा से ज्यादा वेपर के रूप में बाहर आ जाता और प्लांट को पानी की कमी हो जाती,
पानी की कमी ना हो, इसीलिए स्टोमाटा का नंबर ऊपर कम है और नीचे वाले लोअर सरफेस पे ज्यादा है। तो हमने इस डायग्राम में एक स्टोमाटा अपर सरफेस पे दिखाया, लेकिन 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड बहुत सा डायग्राम हम लोग बना देते हैं किसका, स्टोमाटा का। मीनिंग बाय देयर आर मोर स्टोमाटा, ज्यादा स्टोमाटा कहां पे है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे है, है ना। तो लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे स्टोमाटा कैसा है, ज्यादा है। फिर से रिपीट करें इन बातों को, हम क्या क्या कहा हमने, अपर एपिडर्मिस पे क्या ज्यादा है, थिक क्यूटिकल ज्यादा है, और लोअर एपिडर्मिस पे क्या ज्यादा है, स्टोमाटा का नंबर ज्यादा है। तो थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस एंड थिन क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस, पहली बात। दूसरी बात क्या बताया हमने, नंबर ऑफ स्टोमाटा एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ में, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, ये पेट और ये पीठ, आदमी सो रहा है, पीठ कहां है, नीचे, और पेट कहां है, ऊपर, तो ऊपर वाले सरफेस का नाम क्या नाम रखे, वेंट्रल, और नीचे वाले का क्या नाम रखे, डॉर्सल सरफेस, है ना। तो वेंट्रल सरफेस पे लेस स्टोमाटा, डॉर्सल सरफेस पे मोर स्टोमाटा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, वेंट्रल सरफेस पे थिक क्यूटिकल, डॉर्सल सरफेस पे थिन क्यूटिकल, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लाइट और हीट इस पत्ते पे पहुंचा, तो ज्यादा हीट कहां फेस करना पड़ा, अपर सरफेस को। हमेशा इस पत्ते के बारे में सोचो, पत्ता इतना मोटा है ना, तो पत्ते के अपर सरफेस वाले सेल्स को ज्यादा हीट फेस करना पड़ा विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर सरफेस। इसीलिए पत्ते के अपर और लोअर के सेल्स के बीच का जो टिश्यू था ना, वो दो तरह के सेल में डिफरेंशिएट हो गया। कितने सेल में डिफरेंशिएट हो गया, दो तरह के सेल में डिफरेंशिएट हो गया। तो सबसे पहले ये यहां से यहां टिश्यू का नाम रखे मीजोफील, क्या नाम रखे, मीजो मतलब बीच में, फील मतलब लीफ, कहां से कहां, अपर एपिडर्मिस से लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितना भी ये सेल दिखाएंगे अभी हम लोग स्टडी करेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, मीजोफील। और यही लीफ का ग्राउंड टिश्यू है, लीफ का ग्राउंड टिश्यू कौन सा है, मीजोफील इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, फिर से इसको समझो, हम लोग जब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ा रहे थे तो हमने क्या कहा, लीफ के ग्राउंड टिश्यू को मीजोफील कहते हैं। क्यों कहते हैं जरा इसको भी समझ लो, क्योंकि मीजो मतलब होता है मिडिल, बीच में, किसके बीच में, लीफ के अपर और लोअर सरफेस के बीच में है, इसलिए नाम क्या रखा गया, मीजो मतलब मिडिल, बीच में, और फील मतलब लीफ। तो ये अपर और लोअर के बीच में था, हमने नाम रखा मीजोफील टिश्यू। और क्या कहा, चूंकि हीट इन दोनों सरफेस को, जरा सोचो, तो यहां से ज्यादा हीट ये सरफेस ऊपर वाले सरफेस के आसपास का सेल क्या कर रहा होगा, ये रिसीव कर रहा होगा, और नीचे वाले सरफेस पे आते आते हीट और लाइट का पेनिट्रेशन कम हो गया होगा। इसीलिए मीजोफील दो तरह के सेल में डिफरेंशिएट हो गया। ऊपर वाले का नाम रखे क्या, ऊपर वाले का नाम रखे पैलिसेड। कैसा पैलिसेड, अपर पैलिसेड पेरेन्काइमा। क्या नाम रखे ऊपर वाले का, अपर। बहुत ध्यान से ये नाम सुनना है और हम लोग इसके कैरेक्टर को देखेंगे। इसका नाम रखे हैं अपर, ऊपर की तरफ, पैलिसेड उसका नाम दिया गया। और नेचर में ये पेरेन्काइमा का बना हुआ है, हमने टर्म लिखा पेरेन्काइमा। तो पूरी बात क्या हो गई, ये था अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस में और लोअर एपिडर्मिस के बीच के टिश्यू को नाम दिए मीजो मतलब मिडिल, फील मतलब पतला, मीजोफील टिश्यू। और हमने क्या कहा फिर, दिस मीजोफील टिश्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर, ये दो तरह के सेल में डिफरेंशिएट हो गया। ऊपर वाले का नाम रखे पैलिसेड, क्या नाम रखे ऊपर वाले टिश्यू का नाम पैलिसेड, और नीचे वाले को बोले लोअर, नीचे की तरफ था ना, तो नाम रखे लोअर। हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना तो बर्थ होता है, हमेशा किस बर्थ की बात करते हैं, लोअर बर्थ, नीचे वाले बर्थ को, तो नीचे वाले के लिए टर्म क्या यूज किए, लोअर। देखो टर्म क्या लिखे,
पैलिसेड के लिए टर्म लिखे अपर पैलिसेड, क्यों लिखे, ये ऊपर की ओर है, अपर बर्थ, ट्रेन में हम लोग कहते हैं ना अपर बर्थ, तो ये ऊपर की तरफ जो सेल है उसका नाम रखे अपर, ऊपर की तरफ, उसका नाम क्या रखे पैलिसेड, और किसका बना हुआ है पेरेन्काइमा का बना हुआ है, तो पूरा नाम क्या हो गया अपर पैलिसेड पेरेन्काइमा, और नीचे की तरफ जो सेल्स है उसका नाम रखे लोअर, नीचे की तरफ स्पॉन्जी नेचर का था पेरेन्काइमा, तो नाम क्या हो गया लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो दो बातें हो गई, हमने कहा मीजोफिल टिश्यू, ये बीच का टिश्यू मीजोफिल टिश्यू डिफरेंशिएट हो चुका है किसमें, दो पार्ट में, इन दोनों पार्ट का नाम क्या रखे ऊपर की तरफ मिलने वाले टिश्यू का नाम रखे अपर पैलिसेड टिश्यू, और नीचे वाले टिश्यू का नाम रखे लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। क्वेश्चन मेडिकल का है, मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू, हमारा आंसर क्या होगा इनटू टू काइंड ऑफ सेल इन डायकॉट लीफ, ये डायकॉट के पत्ते को डिस्कशन कर रहे हैं, ऊपर वाले का नाम क्या रखें फिर से रिपीट करेंगे, ऊपर वाले का नाम रखे हैं पैलिसेड टिश्यू, ऊपर की तरफ था इसलिए टर्म यूज किया अपर, अब पूरा नाम हो गया अपर पैलिसेड टिश्यू। अब हम लोग इस पैलिसेड टिश्यू पे हम जो क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, नॉर्मल शायद बुक्स में ना हो लेकिन ये सारे क्वेश्चंस ये हम लोग बता रहे हैं एम्स के क्वेश्चन है, एम्स के लेवल के क्वेश्चन है, एम्स में आए हुए क्वेश्चन है, है ना। तो जब भी हम लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारे पास में दिमाग में बहुत हाईएस्ट मेडिकल कॉलेज दिमाग में घूमना चाहिए, है ना, हमारा टारगेट होना चाहिए, क्यों नहीं हम ही पहुंचेंगे, हम ही पहुंचेंगे क्योंकि हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, है ना, पूरे मन से पढ़ रहे हैं, इसीलिए एम्स में हम ही रहेंगे, मेरा ही पोजिशन रहेगा और ऐसे ही प्रतिज्ञा के साथ तुमको पढ़ाई करनी है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे ऊपर वाले टिश्यू का नाम रखे पैलिसेड, और इसकी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करना शुरू किए। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो डायग्राम में 1, 2, 3 और 4, तो दे आर, हम लोग इसकी सारी प्रॉपर्टी हम लोग बताएंगे डिस्कस करेंगे लिखेंगे, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। पैलिसेड टिश्यू की पहली प्रॉपर्टी दे आर 2 और 3 लेयर्ड, है ना, कितने लेयर का बना हुआ है, और कभी कभी एक और लेयर हो सकता है, फोर्थ लेयर भी हम डायग्राम में बना दिए है ना, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 लेयर्ड। दूसरा ये देखो जैसा कैसा सेल है और कैसे अरेंज है, ये पत्ता है और इस चौक को मान लो पैलिसेड टिश्यू है, तो ये इस पत्ते के अपर सरफेस से राइट एंगल पे लगा हुआ है और देखने में सिलिंड्रिकल है, कैसा है ये अपर पैलिसेड टिश्यू, अपर एपिडर्मिस से राइट एंगल पे लगा हुआ है ना, 90 डिग्री पे लगा हुआ दिख रहा है तुमको, तो देखो ये कैसे लगा हुआ है राइट एंगल पे, है ना, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दे आर अटैच्ड विद द अपर एपिडर्मिस एट राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री पे लगा हुआ है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है, दे आर अरेंज्ड एट राइट एंगल, दे आर सिलेंड्रिकल इन नेचर, इसका जो नेचर देख रहे हैं ना वो सिलेंड्रिकल है। और हम डायग्राम में और क्लियर कर दें, अगर हम लोग इस डायग्राम को फिर ऐसे जोड़ दें ऐसे बना दें, मतलब दे ऑल्सो आर पैलिसेड टिश्यू, ये सभी पैलिसेड टिश्यू अगर है तो देखो कैसे अरेंज है, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट एनी इंटर सेलुलर स्पेस, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अरेंजमेंट कैसा है कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट शो कर रहा है, और ऐसा अरेंजमेंट शो कर रहा है कि स्पेस क्या नहीं है विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है। अब हम लोग इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना शुरू कर रहे हैं, हम लोग जब एनाटॉमी की शुरुआत किए जब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पे क्लोरोफिल नहीं मिलता, पत्ता ग्रीन दिख रहा है ना तुम्हारे मन में आता होगा ना कि पत्ते के ऊपर सरफेस में क्लोरोफिल है, नहीं ऊपर और नीचे के सरफेस पे क्लोरोफिल नहीं है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्लोरोफिल नहीं होता है, सिर्फ गार्ड सेल में, अगर एपिडर्मल में कहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा, ये जो गार्ड सेल था ना इसी गार्ड सेल में क्लोरोफिल मिल सकता है ना, लेकिन मीजोफिल टिश्यू में क्लोरोफिल भरा हुआ, मतलब ये सोचना है कि ऊपर और ये नीचे का सरफेस है इसके बीच में जितना टिश्यू है उन टिश्यूज में क्लोरोफिल का कंटेंट क्या है भरा पड़ा है, तो ये क्लोरोफिल का कंटेंट दिखा रहे हैं, ये जो डॉट लाइन दिखा रहे हैं ना पैलिसेड में ये क्या है, ये देखो ध्यान से, और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ये बुक से थोड़ा आगे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस एम्स के लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना, देखो ध्यान से क्या दिखा रहे हैं,
पेलिसेड टिश्यू के अंदर में क्लोरोफिल का कंटेंट तो दिखा रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट द वॉल और लीनियरली अरेंज्ड दिखा रहे हैं, वॉल के अगेंस्ट में और एक लाइन से लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैसे अरेंज है? लीनियरली अरेंज्ड है ना, लीनियर फैशन में है और अगेंस्ट द वॉल है, मतलब ये जैसे तैसे स्कैटर्ड नहीं है, अगेंस्ट द वॉल एंड लीनियरली लीनियर फैशन में अरेंज है। तो हम लोग पैलिसेड के बारे में क्या क्या जाने? टू और थ्री लेयर ऑफ पैलिसेड टिश्यू, टू और थ्री लेयर ऑफ पैलिटेस टिश्यू कैसे अरेंज है? अपर एपिडर्मिस के राइट एंगल पे लगा हुआ है। नॉर्मली सेल ऐसे रहता है, पैरेलल रहता है, चूंकि ये पैरेलल नहीं है, राइट एंगल पे है, इसीलिए इट बिकम एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। क्यों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया? बिकॉज इट इज नॉट अरेंज्ड, स्कैटर्ड नहीं है, दे आर अरेंज्ड लीनियरली है ना, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। जितना भी पैलिसेड टिश्यू दिखा रहे हैं, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एक दूसरे के आसपास सटा हुआ कॉम्पैक्टली अरेंज दिख रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं? इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, यहां से ये दूसरा है, दूसरे से तीसरा अटैच हो गया है, कोई स्पेस नहीं दिख रहा है। तो व्हेन पैलिसेड टिश्यूज आर अरेंज्ड, दे आर अरेंज्ड इन ए कॉम्पैक्ट मैनर, हम लोग क्या कहेंगे? ये कॉम्पैक्ट है, और इस तरह से कॉम्पैक्ट है कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, देयर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस इन बिटवीन देम। और फाइनली फिर क्या देख रहे थे? ये इसमें क्लोरोफिल का कंटेंट मिल रहा था, लेकिन कैसा? स्कैटर्ड नहीं, ये अगेंस्ट द वॉल, ये जो वॉल है ना उसी के अगेंस्ट में लीनियर फैशन में अरेंज्ड है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दैट क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन लीनियर फैशन अगेंस्ट द वॉल। कौन मिला? क्लोरोफिल मिला। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो मेडिकल में, एम्स में आए हुए हैं, बीएचयू में क्वेश्चन आए हुए हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा से कोरिलेटेड। फिर हम लोग आते हैं नीचे की तरफ रसगुल्ले के समान, कुछ स्पॉन्जी रसगुल्ले के समान सेल्स दिखाई दे रहे हैं। क्यों हमने कहा स्पॉन्जी रसगुल्ला? क्योंकि इनके बीच बीच में देखो स्पेस दिखा रहे हैं, एक स्पॉन्जी रसगुल्ला के बीच में अंदर में स्पेस होता है, तो ये स्पेस दिख रहा था, इंटर सेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, ये दिखा रहे हैं बीच बीच में स्पेस है, और ये छोटा छोटा स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, इसमें भी क्लोरोफिल है, लेकिन ये क्लोरोफिल भरा पड़ा है, स्कैटर्ड है, कोई अरेंजमेंट इसमें फिक्स नहीं है। तो ये दोनों के कैरेक्टर का डिफरेंस है, पहला कैरेक्टर हम लोगों ने देखा पैलिसेड टिश्यू का, और दूसरा कैरेक्टर हमने देखा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा का। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बारे में हमने क्या देखा? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता रहे हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं ना वो लूजली अरेंज्ड और राउंडेड सेल है। तो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पैलिसेड में डिफरेंस क्या होगा? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के सेल्स दे आर लूजली अरेंज्ड, बहुत लूजली अरेंज्ड है, देयर शेप इज सर्कुलर राउंडेड है, और इट आल्सो कंटेन क्लोरोफिल, इसमें भी क्लोरोफिल भरा पड़ा है। इन दोनों को मिला के क्या नाम देंगे? पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा को मिला के नाम दिए मेसोफिल टिश्यू ऑफ लीफ, और इसी का नाम था ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ, इसको हम लोग ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ भी कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ भी कहलाता है, ये मेसोफिल टिश्यू ऑफ लीफ भी कहलाता है, और ये डिफरेंशिएट हो गया इन केस ऑफ डायकॉट। अब हम लोग फिर आते हैं, अपर एपिडर्मिस पे स्टोमाटा का नंबर कम मिल रहा है। अपर एपिडर्मिस का तीन नाम बताए, अपर एपिडर्मिस है ना, एडेक्सियल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। लोअर एपिडर्मिस पे क्यूटिकल का लेयर रेस्पेक्टिवली थिन मिल रहा है, दोनों को एक्सप्लेन कर चुके हैं क्यों। तीसरा पॉइंट, स्टोमाटा का नंबर लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा मिल रहा है, ये भी एक्सप्लेन किए हैं क्यों, क्योंकि अगर ऊपर में ज्यादा मिलता तो ज्यादा से ज्यादा पानी ट्रांसपिरेशन में बाहर निकल जाता और प्लांट को पानी की स्कार्सिटी हो जाती, ऐसा नहीं हो इसलिए लोअर सरफेस पे ये ज्यादा मिल रहा है। चौथी बात, सारे स्टोमेटल कैविटी के अंदर, अब इनके बारे में कल हम लोग दिखाए थे, स्टोमेटल कैविटी के अंदर है ना जो स्टोमाटा होता है, एक कैविटी होती है, स्टोमाटा के नीचे एक कैविटी होती है, उसी कैविटी में पानी पाया जाता है, वाटर इज रिजर्व्ड वहां पे, और इसका नाम रखते हैं सब स्टोमेटल कैविटी है ना,
सब मतलब नीचे, सब वे कोई रास्ता जो मिट्टी को खोद के नीचे नीचे बनाते हैं ना, कहते हैं सब वे। तो सब मतलब क्या होता है, नीचे, सब स्टोमेटा के नीचे पाया जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोमेटा का ओपनिंग इधर है, स्पेस पॉइंट को देखेंगे तो ये ओपन पॉइंट है, तो ये नीचे पाया जा रहा है, उसके नीचे है। तो स्टोमेटल कैविटी को कहते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। अब हम लोग आते हैं एक पत्ते को जरा देख रहे हैं, ये लीफ है, इस लीफ का ये मिडरिब है। तो वैस्कुलर टिश्यू कहां पे था, ये जो दिखा रहे हैं ना ये वेन्स, ये वैस्कुलर टिश्यू को कैरी कर रहा है, वेन्स है ना, एंड वेनलेट्स। तो देखो अगर हम यहां का सेक्शन काटे होंगे और यहां का सेक्शन काटे होंगे, तो ये जो वैस्कुलर टिश्यू का डायमीटर हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये लीफ के किस पोर्शन का टुकड़ा लिए गया है इसके डायमीटर पे डिपेंड करेगा। सपोज करो लीफ को यहां पे सेक्शन काट के देख रहे होंगे, तो ये जो डायग्राम दिख रहा होगा ना जाइलम और फ्लोएम का, जिसको कहेंगे वैस्कुलर बंडल, ये थोड़ा लार्जर डायमीटर का दिख रहा होगा। लेकिन अगर ये सेक्शन यहां पे पत्ते का काटे होंगे, तो यहां पे डायमीटर देखो वैस्कुलर बंडल या मिड रिब का डायमीटर कम है, तब वहां पे ये छोटा दिखाई देगा। तो जाइलम और फ्लोएम जो सराउंड कर रहा था उसको कहते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कैसा दिखाई देगा ये डिपेंड करता है पत्ते के सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कहां से काट के हम स्लाइड बनाए हैं, है ना। तो इनिशियल एक डायकॉट के पत्ते में ऐसा दिखाई देगा। फिर हम लोग आते हैं, अब हम लोग जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं वैस्कुलर बंडल, है ना, ये पानी को, फूड को कैरी करेगा। तो वाटर एंड फूड इज बीइंग कैरिड बाय जाइलम एंड फ्लोएम। अब पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, फ्लोएम का लोकेशन फिक्स है, ये क्वेश्चन फिर मेडिकल का क्वेश्चन बता रहे हैं। फ्लोएम का लोकेशन किस तरफ है, ये टूवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस की तरफ है। किधर है, ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ है। ऊपर से पानी गिरा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, फ्लो कहां होगा, फ्लोएम, फ्लो शब्द बता रहे हैं, फ्लोएम कहां होगा, ऊपर से कुछ भी गिराएंगे कहां जाएगा, फ्लो करेगा नीचे की तरफ। मतलब फ्लोएम का लोकेशन फिक्स हो गया, फ्लोएम इज लोकेटेड टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ लोकेटेड है। सेकंड पॉइंट पे फिर हम लोग आते हैं, फ्लोएम इज लोकेटेड टुवर्ड लोअर एपिडर्मिस, है ना, और जाइलम कहां है, जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ दिखा रहे हैं। और ये दोनों ही जाइलम और फ्लोएम सराउंडेड है इससे, एक टिश्यू से जिसका नाम है बंडल शीथ, है ना, एक कवरिंग है उनके चारों तरफ, इस कवरिंग को हम लोग क्या नाम दिए, बंडल शीथ। बंडल शीथ इसके पहले हम लोग कहां देखे थे, मोनोकॉट के स्टेम के बाहर एक कवरिंग देखे थे जिसका नाम दिए थे बंडल शीथ। और यहां भी हम लोग कह रहे हैं कि वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ। अब हम लोग फिर इसके अंदर की तरफ देखना शुरू किए, तो एक डायकॉट के पत्ते में एक अपर एपिडर्मिस मिला और एक लोअर एपिडर्मिस मिला। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपर एपिडर्मिस में जो क्यूटिकल का वैक्सी लेयर था वो थिक मिल रहा था, क्योंकि अपर एपिडर्मिस को ज्यादा सन हीट और सनलाइट को फेस करना पड़ रहा था, इसीलिए ज्यादा मोटा लेयर वो सनस्क्रीन का चेहरे पे लगाया, सनस्क्रीन लोशन यूज कर रहा है जिसका नाम है क्यूटिकल। अपर सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमाटा क्या मिला, कम मिला, क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा मिलता तो ज्यादा से ज्यादा पानी ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में बाहर निकल जाता। लोअर एपिडर्मिस, नीचे के सरफेस का नाम दिए लोअर एपिडर्मिस, जिसको हम लोग नाम दिए डॉर्सल सरफेस। दूसरी बात हम लोग क्या बोले, लोअर एपिडर्मिस पे जो क्यूटिकल या वैक्सी लेयर का कोटिंग था, जो वो सनस्क्रीन लोशन अपने चेहरे पे लगाया था, उसका लेयर पतला था, थीन था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे धूप कम आ रही है और यहाँ पे धूप ज्यादा आ रही है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा हो रही है, यहाँ पे गर्मी इसके रिस्पेक्ट में कम हो रही है। फिर हम लोग आते हैं, नंबर ऑफ स्टोमाटा ज्यादा लोअर सरफेस में मिलेगा, तो कहेंगे कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ में, है ना, डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब हो गया नीचे का सरफेस डॉर्सल, ऊपर का सरफेस वेंट्रल। एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ में नंबर ऑफ स्टोमाटा इज मोर ऑन द लोअर सरफेस। और ये जो वैस्कुलर बंडल दिखा रहे थे, इस वैस्कुलर बंडल का जो पोर्शन था ये एक्सटेंड कर सकता है नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। इस एक्सटेंशन का नाम देते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन।
हम लोग बैंक वगैरह के बारे में जानते हैं, एक बैंक का एक्सटेंशन काउंटर, मतलब एक बाहर की तरफ काउंटर बना देते हैं, है ना, किसी जगह पे बना दिए और कह दिए एक्सटेंशन काउंटर, मतलब जब चीजें को बढ़ाया जाता है तो एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो हम लोग उसका नाम देते हैं एक्सटेंशन। यहां भी ये बंडल शीट का एरिया या तो लोअर एपिडर्मिस की तरफ या अपर एपिडर्मिस की तरफ कभी कभी एक्सटेंड कर जाता, बढ़ जाता है, तो नाम क्या देंगे इसका, बंडल शीट एक्सटेंशन। तो एनाटॉमी ऑफ लीफ में बंडल शीट एक्सटेंशन भी दिख रहा है। अब हम लोग इस पूरे को हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं मोनोकॉट के लीफ में। कल हमने बताया था मोनोकॉट के लीफ का ओरिजिन कैसे हुआ। एक मोनोकॉट का पत्ता जब ग्रो कर रहा था तो वो यूं ग्रो कर रहा था, इसके दोनों ही सरफेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट और लाइट आ रहा था, इसीलिए दोनों ही सरफेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट और लाइट आने के चलते क्या हुआ था, दोनों सरफेस एनाटॉमिकली इक्वल हो गया था और बाद में फिर ये पत्ता ऐसे हो गया। अब इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, वेंट्रल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। लेकिन चूंकि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट और लाइट आया था इसीलिए दोनों सरफेस पे क्यूटिकल का लेयर इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों सरफेस को सनस्क्रीन लोशन की जरूरत थी, तो ये डिफरेंस होना शुरू हो गया। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में क्यूटिकल इक्वली थिक होगा, है ना, इक्वली थिक होगा, जितना मोटा क्यूटिकल यहां दिख रहा है उतना ही मोटा यहां दिख रहा है। जबकि हम लोग इस लीफ की बात करें, डायकॉट के लीफ में अपर सरफेस पे ये मोटा दिखाए हैं और नीचे वाले सरफेस पे ये पतला दिखा रहे हैं, थीन दिखा रहे हैं। रीजन समझ में आ चुका है। फिर हम लोग आते हैं, चूंकि ये ग्रो कर रहा था तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट और लाइट रिसीव कर रहा था, इसीलिए नंबर ऑफ स्टोमाटा भी दोनों सरफेस पे बिल्कुल इक्वल हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल हम लोग कहते हैं। अगर यहां पे 200 है तो यहां भी 200 है, ये मान लिए हम लोग। तो क्या दिखा रहे थे, नंबर ऑफ स्टोमाटा आर इक्वल, यहां भी दिखा रहे हैं 3, यहां भी दिखा दिए 3, तो ये समझाने के लिए 3-3 बनाए कि नंबर ऑफ स्टोमाटा आर इक्वल ऑन बोथ द सरफेस, अपर एपिडर्मिस पे और लोअर एपिडर्मिस पे, दोनों ही तरफ स्टोमाटा का नंबर कैसा होगा, बिल्कुल बराबर बराबर होगा। ये दो कॉमन पॉइंट हम लोग बताए, है ना, तो ये दो डिफरेंस भी दिख गया हमको, कॉमन पॉइंट भी देख रहे थे, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस का मिलना कॉमन पॉइंट, लेकिन थिक क्यूटिकल का दोनों साइड मिलना ये डिफरेंस इन पॉइंट हो गया, स्टोमाटा का दोनों सरफेस पे इक्वल मिलना डिफरेंस इन पॉइंट हो गया, है ना, क्योंकि डॉर्सी वेंट्रल लीफ में लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमाटा मिल रहा था, अपर सरफेस पे कम मिल रहा था। फिर हम लोग आते हैं, चूंकि इक्वल हीट और लाइट दोनों सरफेस को मिल रहा था इसीलिए मीजोफिल टिश्यू डिफरेंशिएट नहीं हो पाया, मीजोफिल टिश्यू एक ही तरह का टिश्यू बनाया जिसका नाम रखते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। क्या नाम रखे इसका हम लोग, तो एक ही तरह का, ज्यादातर केस में एक ही तरह का टिश्यू बनता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दो तो ज्यादातर केस में क्या होगा, एक ही तरह का टिश्यू बनाया जिसका नाम रखे हम लोग मीजो, मतलब मिडिल, फील मतलब पतला, मीजोफिल टिश्यू। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, इसके सभी सेल्स ऑलमोस्ट राउंडेड हैं, कैसे हैं, ऑलमोस्ट राउंडेड हैं, और ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है और ये क्लोरोफिल को कंटेन कर रहा है। तो मोनोकॉट के लीफ में हम लोग क्या बताया, मोनोकॉट के लीफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि ग्राउंड टिश्यू दैट इज मीजोफिल टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इंटू टू डिफरेंट पार्ट, दे कंसिस्ट ऑफ ओ सिंगल पार्ट, एक ही तरह का सेल बनाते हैं, एंड मोस्टली दे आर स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस, ज्यादातर कैसा है, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस सेल्स है। ये क्लियर हो गया। हम ये कहते हैं कि कभी कभी कुछ कुछ एक्सेप्शन, हम लोग एक क्लास रखेंगे जिनमें हम लोग छोटी छोटी बहुत सी चीजें बताएंगे, एट द एंड ऑफ द एनाटॉमी कुछ ऐसे मेडिकल के क्वेश्चन जो टिपिकल थे उनको बताएंगे और कुछ खास पॉइंट्स बताएंगे जो कहीं ना कहीं को रिलेटेड हैं, है ना। तो जैसे इसमें हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसा भी मोनोकॉट्स मिला जहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, इंस्टेड ऑफ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सारे सेल पैलिसेड टाइप के थे। तो जो भी एक्सेप्शनल पॉइंट्स होगा उसको हम लोग एक क्लास के लिए रख रहे हैं और वो क्लास में, लास्ट क्लास में कुछ हम लोग एक्सेप्शन भी डिस्कशन करेंगे। तो ये एक पॉइंट हम लोग डिस्कशन किए।
तो अब हम लोग आते हैं, इसका मतलब ये डाइकॉट से डिफर कर रहा था, मोनोकॉट का ये कैरेक्टर क्या हो रहा था, डाइकॉट से डिफर कर रहा था। इन केस ऑफ डाइकॉट मीजोफिली इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप ऑफ टिश्यू, कौन कौन, अपर पैलिसेड एंड लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, वेयर एज इन केस ऑफ मोनोकॉट व्हाट वी विल से, we will say that that mesophyll tissue is not differentiated into two different parts. Why? Why? Because there is an equal amount of illumination. They are receiving equal amount of light. Dono surface pe barabar barabar light aa raha hai. Dono surface pe illumination bilkul barabar ho raha hai. Isiliye koi differentiation nahi ho raha hai. Kya nahi ho raha hai? Koi differentiation nahi ho raha hai. All cells are alike. All cells are alike, सभी सेल एक से बन गए, और ज्यादातर केस में ये कौन से सेल हैं? ज्यादातर केस में ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा हैं। तो ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा दिखा रहे हैं हम लोग। अब स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की बात करेंगे तो कैरेक्टर हमको मालूम है, दे आर राउंडेड पेरेन्काइमेटस थिन वॉल विथ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मिल रहा है, और यही वो पोर्शन था जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये मिडिल पोर्शन जिसको मेसोफिल कहते हैं ना, यही क्या कर रहा है, दीज आर द पोर्शन विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही पोर्शन खाना बना रहा था। अब हम लोग डिफरेंस देखें, अब हम लोग फिर आते हैं, जाइलम और फ्लोएम का लोकेशन बिल्कुल वैसा ही, फ्लोएम हमेशा लोअर एपिडर्मिस की तरफ लोकेटेड है, जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ लोकेटेड है। इसके अलावे स्क्लेरेन्काइमा का पैचेस दिख सकता है, स्क्लेरेन्काइमाटा का टुकड़ा पैच दिखता है डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में, लेकिन इसका लोकेशन फिक्स नहीं है, ये पूरे बंडल शीट में किसी भी जगह में दिख सकता है। देयर लोकेशन इज नॉट फिक्स्ड, किसके, उस स्क्लेरेन्काइमेटस पैच की बात कर रहे हैं। और फाइनली हम लोग फिर आते हैं, अब मोनोकॉट में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिख रहा था, मोनोकॉट के अपर एपिडर्मल सेल में नॉर्मल एपिडर्मल सेल से बड़ा बड़ा, कुछ ज्यादा बड़ा साइज का है ना सेल दिख रहा था, जिसको बोला गया ब्यूली फॉर्म। ब्यूली का मतलब होता है बबल, जो हम लोग एक खिलौना खेलते हैं ना, वो पानी में फुलाते हैं बबल, तो वो क्या होता है, बड़ा सा बबल बन जाता है। वो जो बबल बनता है ना, उसी तरह का ये स्ट्रक्चर था, इसीलिए बबल के लिए टर्म यूज किए ब्यूली, और उसी शेप में बना इसलिए टर्म यूज किए ब्यूली फॉर्म। इसको हम लोग एक और नया नाम दे रहे हैं, हम लोग इसको कहते हैं मोटर सेल। अब इसके बारे में हम लोग बताना शुरू कर रहे हैं, मोनोकॉट के पत्ते पे नॉर्मल एपिडर्मिस के अलावे जगह जगह पे कुछ बड़े साइज का बबल के समान सेल दिखाई दे रहा था। ये बबल के समान वाला सेल ब्यूली फॉर्म सेल कहलाया, क्या कहलाया, ब्यूली फॉर्म। ब्यूली मतलब बबल, फॉर्म मतलब शेप, इसका मतलब हुआ दीज सेल्स आर इन द शेप ऑफ ए बबल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्यूली फॉर्म सेल। ये जो सेल है ना, ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है और वाटर बाहर भी निकल सकता है, मतलब दे कैन एब्जॉर्ब वाटर, और जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ये स्वेल कर जाएगा, इसको कहेंगे टर्जिडिटी, टर्जिड हो गया, और जब इसके बॉडी से पानी बाहर निकल जाएगा तो बोलेंगे फ्लैसिडिटी, ये फ्लैसिड हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे हमने कहा था एक बेलून में हवा भर दो, ये टर्जिड हो गया, और बेलून के हवा को निकाल दो, ये फ्लैसिड हो गया। तो ये टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी के चलते मोनोकॉट के पत्ते में रोलिंग और अनरोलिंग, कभी कभी पत्ता ऐसे रोल कर जाता है और फिर वो धीरे धीरे खुल जाता है, तो जब इसके बॉडी से पानी निकल जाता है, ये फ्लैसिड हो जाता है, तब ये रोल कर जाता है, और जब धीरे धीरे ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, टर्जिड हो जाता है, तब ये फिर खुल जाता है। तो इसीलिए ये खुलने और बंद करने में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है, इसीलिए टर्म यूज किए मूवमेंट के लिए मोटर, है ना, मोटर गति है, मोटर इज द मूवमेंट, इसलिए टर्म यूज किया गया मोटर सेल। हमने कहा कि हमने मोटर चलाया, मतलब वी आर मेकिंग समथिंग, है ना, कुछ चीजों को बना रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, मोटर में फैन घूम रहा होता है, तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड मोटर। और बिकॉज दिस लीफ आर गोइंग टू अनरोल एंड रोल, पत्ते खुलेंगे और बंद होंगे, और वो
टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी ऑफ ब्यूलीफॉर्म सेल से द्वारा ओरिएंटेड होगा, इसीलिए हमने कहा इसका नाम मोटर सेल। चूंकि ये बबल के समान था इसलिए इसका नाम दिया गया ब्यूलीफॉर्म सेल। और हम लोग इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, कहेंगे कि दिस ब्यूलीफॉर्म सेल और मोटर सेल्स आर पार्ट ऑफ मोनोकॉट लीफ, दे आर नेवर प्रेजेंट इन ए डाइकॉट लीफ। किसी डाइकॉट के पत्ते में ये हम नहीं देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हम लोग मोनोकॉट के लीफ का, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये हम लोग इसको पूरा समअप कर रहे हैं फाइनली। तो क्या क्या सीखे हम लोग, एक डायकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस अगर पूछेगा तो डिफरेंशिएशन में अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों ही जगह मिला, लेकिन अपर एपिडर्मिस में थिक क्यूटिकल, लोअर एपिडर्मिस में थिन क्यूटिकल डायकॉट में। जब मोनोकॉट की बात किए तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ क्यूटिकल मिला, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है क्यूटिकल के अलावे स्टोमाटा का प्रेजेंस। एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ में, डायकॉट के लीफ में ज्यादा स्टोमाटा कहां मिल रहा है, ऑन लोअर सरफेस, और कम स्टोमाटा कहां मिल रहा है, ऑन अपर सरफेस। जबकि एक मोनोकॉट के पत्ते की बात करें तो इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ स्टोमाटा इक्वली मिल रहा है, ऑन बोथ द सरफेस इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमाटा आर प्रेजेंट। अब तीसरे पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं, ब्यूलीफॉर्म सेल्स की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ब्यूलीफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन मोनोकॉट बट दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ डायकॉट। ब्यूलीफॉर्म और मोटर सेल पत्ते के रोलिंग और अनरोलिंग में हेल्प कर रहा था। और चौथे पॉइंट पे आते हैं, ग्राउंड टिश्यू और मीजोफिल टिश्यू डायकॉट के पत्ते में डिफरेंशिएट होके दो तरह के सेल में कन्वर्ट हो गया है। एक का नाम रखे हैं अपर पेलिसेड पेरेन्काइमा और दूसरे का नाम रखे हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जबकि मोनोकॉट के केस में ये एक ही तरह के सेल में डिफरेंशिएशन हुआ है, ज्यादातर केस में ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। तो ये तुम्हारा एक टॉपिक खत्म हो गया, डायकॉट एंड मोनोकॉट लीफ, है ना। तो ये हमारे एनाटॉमी में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट पोर्शन देखे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, और अभी हमने फिनिश किया डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। अब इसके बाद हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। पहला होगा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन कैसे होता है, हम लोग इसको कहते हैं थिकनिन इन वेसल्स, और दूसरा टाइप ऑफ स्टीली, जो स्टीली की बात कर रहे हैं उसके टाइप को। और उसके बाद फाइनल चैप्टर हमारा आएगा, वो होगा सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम और उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें।